हाय फ्रेंड्स, मैं आकाश आपका स्वागत करता हूँ डिक्शनरी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का सेकेंड सीरीज़ लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर आपने फर्स्ट सीरीज़ देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके आप पहले वर्ल्ड हिस्ट्री का फर्स्ट सीरीज़ देख लीजिए, उसके बाद ये सीरीज़ देखिए। तो क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है आपका ACIO एग्ज़ाम के लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है, तो अराउंड इस बार 25 क्वेश्चन से आप मान के चलिए 6-7 क्वेश्चन इधर से आएंगे ही। आपको एंशियंट मेडिवल एंड वर्ल्ड और मॉडर्न वर्ल्ड का करना है, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लूसेंट से पढ़ लीजिए, वहाँ ज़्यादा है नहीं, 5-6-7 पढ़ना है, उसको बेसिक एक आइडिया के लिए पढ़ लीजिए। उसके बाद आप प्लीज़ NCERT बुक्स देख लीजिए, ठीक है, क्लास 8 से 12 तक देख लीजिए, जहाँ जहाँ आपको मिले वर्ल्ड हिस्ट्री आप प्लीज़ पढ़ लीजिए। और उसके बाद मैं वीडियोज़ जहाँ से कलेक्शन करके आपको दे रहा हूँ तो ये भी आप देखिए, तो ये भी मुझे लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ज़रूर देखिएगा वीडियो को टिल द एंड। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए सो दैट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देख लेते, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज ज़ारिक्स इज वन मर्डर्ड, ठीक है। तो ये 465 BC में, प्रोनाउंसिएशन में मत जाइए, मुझे भी पता नहीं ये सब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, व्हेन डिड ग्रीको पर्शियन वर्स एंड, तो ग्रीको पर्शियन एंड इन 449 BC में हुआ था, ठीक है। व्हेन वाज द बिल्डिंग ऑफ पार्थेनियन एट एथेंस स्टार्टेड, तो ये 447 BC में हुआ था, ठीक है दोस्तों। व्हेन डिड नंदा डायनेस्टी कम इन टू पावर, तो नंदा डायनेस्टी कब आया था, 424 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, हु डिफीटेड डारियस III इन द बैटल ऑफ गोगा मेला, ठीक है, गोगा मेला, तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, व्हेन डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड, तो ये 323 BC में, ठीक है। हु फाउंडेड द फिलोसॉफी ऑफ स्टोइसिज्म इन एथेंस, तो ये स्टोइसिज्म इन एथेंस जीनो ऑफ CTM ने फाउंड किया था ये फिलोसॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्टार्टेड, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये स्टार्ट हुआ था 221 BC में। वाज द फाउंडर ऑफ सद्वाहना डायनेस्टी, तो सद्वाहना डायनेस्टी का फाउंडर है सिमू का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, व्हेन वाज हैन डायनेस्टी स्टैब्लिश, तो हैन डायनेस्टी स्टैब्लिश हुआ था 206 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु डिफीटेड हैनिबल एट बैटल ऑफ जामा, तो ये CPO एफ्रिकनस ने डिफीट किया था हैनिबल को। हु ऑफिशियली इंस्टीट्यूट द फर्स्ट सिस्टम ऑफ इम्पीरियल एग्जामिनेशन इन चाइना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हैन वू डी ने स्टार्ट किया था फर्स्ट सिस्टम ऑफ इम्पीरियल एग्जामिनेशन। हु मर्डर जूलियस सीजर, तो मार्कस ब्रूटस ने। व्हेन डिड द थ्री किंगडम पीरियड बिगिन इन चाइना, थ्री किंगडम कब चाइना में स्टार्ट हुआ था, तो दैट इज इन 2020। व्हेन डिड द सैसेनियन एम्पायर राइज, तो सैसेनियन एम्पायर राइज हुआ था 226 BC में। व्हेन वाज जीन डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड, तो देखिए जीन डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुआ था 280 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, हु वाज द फर्स्ट हिस्टोरियन टू यूज ट्रिपार्टाइट पीरियडाइजेशन, तो ये लियोनार्डो ब्रूनी ने स्टार्ट किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु मेड ट्रिपार्टाइट पीरियडाइजेशन स्टैंडर्ड किसने बनाया था, तो क्रिस्टोफर सेलेरियस ने बनाया था। व्हेन वाज अमेरिका डिस्कवर्ड, तो कब डिस्कवर हुआ था, दैट इज़ इन 1492 में डिस्कवर हुआ था ये अमेरिका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हु पायनियर्ड क्रिश्चियन सिनोबाइटिक मोनिस्टिज्म, तो ये किसने किया था पायनियर, दैट इज पाचोमियस द ग्रेट। हु ओन द बैटल ऑफ पोइटियर्स इन 1732, तो ये चार्ल्स मर्टेल ने किया था। हु टू कंट्रोल ऑफ द किंगडम ऑफ ऑस्ट्रेजिया एंड न्यूट्रीजिया इन द कोप ऑफ 753, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपिंग द सॉर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन डिड चार्ल मैग्नी कॉन्केयर द लॉम्बर्ड्स, दैट इज इन 1774, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु ब्रॉट द एजुकेशन अवेलेबल इन द मॉनेस्ट्रीज ऑफ नॉर्थम्ब्रिया, दैट इज एल्कुइन ने किया था, ओके दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते, हु वॉज अ सक्सेसर ऑफ चार्ल मैग्नी, तो ये लुइस द पियर्स है। व्हेन इज लुइस द पियर्स डाइड, ये डाइड इन 840, तो ठीक है, तो ये देख लीजिए ज़रूर। और बहुत सारे बच्चे मुझे पूछ रहे थे जे डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, कैसे एसेज आता है, तो देखिए मैं एक जस्ट आपके लिए रखा हूँ, 2015 में ये देखिए एसेज आया था, इसमें उस टाइम 50 मार्क्स का था, 400 वर्ड्स का, तो उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन शुड बी एन एब्सोल्यूट राइट, एक क्वेश्चन आया था। इंक्लूसिव ग्रोथ इंटेलिजेंस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और इट इज़ ऑफन सेफर टू बी चेंज दैन टू बी फ्री, ये चार टॉपिक दिया गया था
और देखिए ये राइटर ऐसे कि इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, हिंदी में नहीं लिखना था उस टाइम, ठीक है। इस बार भी आप मान के चलिए इंग्लिश में लिखना होगा, अगर हिंदी में बोले तो देखा जाए। ये 50 मार्क्स का था 400 वर्ड्स में, ठीक है दोस्तों। तो एक आइडिया के लिए मैं बना के रखा हूँ, तो ज़रूर अगर वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कुछ भी पूछना है तो कमेंट कर सकते हैं मुझे, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स, ज़रूर जल्दी जल्दी आपको जॉब लगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।